सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल, हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ, हर खबर पर है पैनी नजर, खबर होगी वही जो करेगी आपको सबसे रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नेशन न्यूज इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश खिदमत है उत्तर भारत की कुछ खास खबरें। मौसम की बरसात पर्याप्त रूप से न होने की वजह से किसानों को हो रही परेशानी के मद्देनज़र आज समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव के नेतृत्व में बहराइच जनपद को सूखाग्रस्त इलाका घोषित कराने की मांग को लेकर एक 5 फुट का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष के अलावा कैसरगंज के विधायक आनंद यादव, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी व नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि प्रदेश सहित हमारा बहराइच जनपद और यहाँ का किसान सूखे की मार से त्राहि-त्राहि कर रहा है। 80% धान की रोपाई नहीं हो पाई है और गन्ने, मेंथा, मक्का सारी की सारी फसल किसानों की चौपट हो गई है। बरसात नहीं हुई है, 80% बरसात कम हुई है पिछले साल की तुलना में, और किसानों का आगे आने वाला भविष्य जो है वो बहुत अंधकारमय हो गया है। और सरकार कानों पर के उनके जू भी नहीं रेंग रही है कि सूखाग्रस्त घोषित किया जाए इसको। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की कुंभकर्णी नींद से उनको जगाने के लिए बाबा जी को हम लोग आज आए हैं और DM साहब के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि बहराइच को सूखाग्रस्त घोषित करिए और नलकूप की जो सिंचाई है प्राइवेट नलकूपों की उसको माफ़ करिए, कर्जा माफ़ करिए फसली ऋण का, और जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए अनुमान्य सुविधाएं हैं उनको शासन द्वारा उपलब्ध कराइए। इसी बात को लेकर के हम हमारे विधायक माननीय आनंद यादव जी, पूर्व विधायक रमेश गौतम जी और हमारे तमाम पार्टी के साथी यहाँ आए हैं, पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव जी, सारे लोग यहाँ हैं और ज्ञापन दिया है।